हेलो दोस्तों, मैं गुणजीत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिजी ग्लोब। दोस्तों, मेरे फेसबुक फ्रेंड और मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर जो है अक्सर इस तरह के सवाल पूछते हैं कि मेरे पेटीएम अकाउंट में पैसे किस लिए ऐड नहीं हो रहे हैं, या फिर पेटीएम अकाउंट में जो है पैसे कैसे ऐड किए जाते हैं। तो इस तरह के जो सवाल है मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए जो है मैं आज इस टॉपिक पे जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसीलिए जो है आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए, पहले जब सवालों के जवाब मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि अगर आप अगर अपने पेटीएम अकाउंट में पैसे ऐड करना चाहते हैं तो आपके पेटीएम अकाउंट को जो है KYC करना होगा। मतलब कि KYC करने के बाद जो है आप अपने पेटीएम अकाउंट में जो है पैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं दूसरे सवालों के जवाब दे देती हूँ कि आप कैसे जो है मैं पेटीएम वॉलेट पे पैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरा जो पेटीएम अकाउंट है वो वेरीफाई है KYC। तो देखिए, ये जो पेटीएम अकाउंट है इसमें मैं टैप कर देती हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये खुल गया है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो है मेरा पेटीएम अकाउंट जो वेरीफाई है, ये देखिए यहाँ पे राइट चिन्ह दिखा रहा है। तो उसके बाद जो है कैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं, इसके लिए जो है दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप स्क्रॉल करिए। इसके बाद देखिए ऐड मनी लिखा रहा है यहाँ पे, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आपको जो है आपके अकाउंट KYC होना ज़रूरी है, फुल KYC होना ज़रूरी है, तभी जो है आप अपने पेटीएम वॉलेट पे पैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए, कितने अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है 1,000, 1,500, 2,000। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। मैं यहाँ पे 2,000 डाल देता हूँ। उसके बाद ऐड मनी कर दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है आप अपना बैंक, या देखिए यहाँ जो लिखा है भीम UPI लिखा है, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन तरीक़ों से जो है आप वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं। मैं अभी जो है मैं ATM से कर रहा हूँ, डेबिट कार्ड से। तो मैं नीचे जो डेबिट कार्ड है इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है आपको ATM कार्ड का जो डिटेल है यहाँ पे आपको भरना होगा। तो मैं अभी जो है मैं भर देता हूँ मेरे ATM का डिटेल। जो डिटेल है आपके पेटीएम के ऊपर जो नंबर होता है वो यहाँ पे डाल दें। उसके बाद यहाँ पे जो है अब अपना जो एक्सपायरी है ATM का वो यहाँ पे डाल दें। उसके बाद अपने ATM के पीछे जो CCV कोड है उसको यहाँ पे डाल दे, 3 डिजिट का जो है। उसके बाद दोस्तों देखिए, एक बार इसको जो है सही से चेक कर ले। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोसेस सिक्योरली लिखा है, मतलब कि एक टैब है, उस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये जो है प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ देखिए आपके मोबाइल पे जो है मोबाइल नंबर पे आपके मैसेज आएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया है। इस नंबर को जो है आप भर दे यहाँ पे OTP पे, जैसा मैं यहाँ पे जो है भर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबमिट OTP लिखा है, इस पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे देखिए दोस्तों देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा आ रहा है योर पेटीएम वॉलेट, मतलब कि ये जो है अपने 2,000 ऐड किया है, ये जो है सक्सेसफुली ऐड हो गया है वॉलेट पे। तो दोस्तों अभी जो है मैं बैक कर देता हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरे जो पेटीएम वॉलेट है उसमें जो है पैसे ऐड हो गए हैं। ये देखिए पेटीएम वॉलेट, मतलब कि नीचे जो लिखा है 2,000 लिखा है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने पेटीएम वॉलेट पे पैसे ऐड कर सकते हैं, और जो है आप इस पैसे जो है रिसर्च कर सकते हैं, डिटेल्स रिसर्च कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन वगैरह खरीद सकते हैं चीज़। तो दोस्तों
आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए डिजी ग्लोब चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।